इस वक्त मैं हूँ यूके में, यूनाइटेड किंगडम मैनचेस्टर के पास शेफील्ड में। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि मैं हैदराबाद से अबू धाबी तक गया 6500 रुपीज़ ऑन एतिहाद एयरवेज। सारी सस्ती एयरलाइंस इंडिगो, गो एयर, एयर इंडिया, ये सब भी 9000-10000 रुपये की थी टू अबू धाबी, बट मुझे ये वाली मिली ओनली 6500। इवन ये फ़्लाइट ओरिजिनली थी 12000 की, बट मुझे ये मिली 6500 बिकॉज मैंने उसको बुक किया आगे ओमान तक। और जिसका जस्टिफिकेशन एक ही है कि एतिहाद पे अबू धाबी से ओमान तक ज़्यादा लोग जाते होंगे नहीं, फ़्लाइट खाली जाती होगी, इसीलिए इस रूट को ये लोग सस्ता करते होंगे। वन कैंड ये कि इंडिया से जो फ़्लाइट जाती है ओमान वो काफ़ी सस्ती है, 6000-6500। एतिहाद एयरलाइंस वहाँ कॉम्पिटिशन बैलेंस करने के लिए अपनी भी फ़्लाइट उतने में ही दे रहा, तो उसका फ़ायदा उठाकर मैं उतरूँगा अबू धाबी में और जो आगे की फ़्लाइट है उसको करने वाला हूँ स्किप। सो मैं फाइनली एयरपोर्ट के अंदर आ गया हूँ, बोर्डिंग पास मिल गया है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद। सारी कहानी बाद में बताता हूँ, अभी आई एम फोकस्ड ओनली ऑन राइट नाउ, ऑल माई फोकस इज ओनली ऑन शोइंग यू दिस फैंटास्टिक 787। सिर्फ लॉक बंद करने से आई लाइट चमक जाती है, आपका चेहरा चमक जाता है। टास्क फॉर द डे, आई एम गोना गो फॉर अ ब्रश, ब्रश माय टीथ। माय आईज आर रेड बिकॉज इंडिया के हिसाब से टाइम अभी 10 के आसपास हो रहा है और मैं कल रात को भी नहीं सोया हूँ। बट एनी वेज दिस इज द ओनली टाइम इन माई लाइफ प्रोबेबली मे बी मोर वी गेट टू ट्रैवल 787 ऑन एतिहाद एयरवेज। लेट्स गो। हियर वी हैव Etihad branded toothbrush on board. छोले हैं ये आई थिंक सैलड टाइप से बिकॉज काफ़ी ठंडे हैं, बट द चिकन एंड राइस आर अमेजिंग, काफ़ी ज़्यादा पाइपिंग हॉट, फ्लेवरफुल, ऑन पॉइंट। बेस्ट पार्ट अबाउट बुकिंग द मील इज यू गेट द मील फर्स्ट, बाकी लोगों में अब तक नहीं मिला है। इट्स हॉट एंड यू एक्चुअली गेट व्हाट यू ऑर्डर, वरना क्या होता है लास्ट में जो लोगों को मील मिलता है तो जो बच जाता है वो मिलता है। That is not good. So ऐसा कुछ नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन है जो कि ये लोग प्रोवाइड करते हैं टू एवरीवन, जैसे नॉइज कैंसिलिंग लगाया थोड़ी सी पीछे की ओर, देन यू कैन एंजॉय योर फ्लाइट।